ये जो मेला लगा है जी, तो कितना लेट हो गया? मेला कम से कम सर 15 दिन लेट हो गया। अच्छा अच्छा, तो इससे क्या क्या परेशानियां आई हैं? परेशानी क्या स्टार्टिंग में जब से जैसे 20 तारीख को उद्घाटन हो जाता है, 25 तारीख से चालू हो जाता है। हाँ हाँ, अब वो अब मेला कम से कम 12 तारीख से चालू हो पाएगा। और इसमें क्या नगर पालिका वालों ने स्टार्टिंग में क्या वहाँ से सिटी में शहर में से जो जितना भी कचरा कचरा रहता है वो इकट्ठा लाके नहीं पटक देते हैं। हाँ हाँ, पूरे कचरे को। हाँ हाँ, अब कुछ प्रशासन से जब हमने नगर पालिका प्रशासन से कही इसको मलबे को हटवाओ यहाँ से, तो उन्होंने स्टार्टिंग में कोई ध्यान नहीं दिया, कुछ तो उस चक्कर में लेट होता गया। हाँ हाँ, और अभी तक हमारे आइटम क्या तैयार हो जाते थे, उसमें जहाँ झूले जो सेक्टर है झूला सेक्टर उसमें जो पानी भर गया था वो मलबा डाला हुआ था, मलबा डाला हुआ था, तो उस चक्कर में लेट होता गया। फिर वो नगर पालिका ने जब वो मशीन नहीं भेजी तो हमने खुद अपनी प्राइवेट मशीन 2 दिन लगवाई। 2 दिन के बाद में फिर उन्होंने फिर अपनी मशीन की व्यवस्था करी। हाँ हाँ, तो अब वो धीरे धीरे कचरा वचरा उठाए, अब लगाना चालू किया है। अब स्टार्ट किया है आपने, यानी इससे आर्थिक रूप से हानि हो रही है? बिल्कुल हो ही रही है साहब। अच्छा, जो नगर पालिका को तो पूरा पैसा चाहिए और प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की अभी तक। प्रशासन ने साहब यही है कि कम से कम जो मेला लगना चाहिए था वो समय पर नहीं लगाया, समय पर नहीं लगाया, और आपको परेशानी आ रही है। या तो वो मेला कम से कम जो जितना लेट हुआ है उतना आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए, तो इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? अच्छा अच्छा, आपका? तो आप ये बताएं कि ये जो मेला प्रारंभ हो रहा है कितने दिन लेट हो गया? मेला 15 दिन लेट हो गया। 15 दिन लेट हो गया, तो इससे आपको क्या क्या घाटे हैं, क्या हानियां हैं? हानि क्या हो गया, 20 दिन पड़े हुए हो गए। हाँ, 20 दिन पड़े रहे, सफाई की व्यवस्था ही नहीं थी, कुछ नहीं थी, इस वजह से मेला लेट होता चला गया। हाँ, तो फिर कोई आपकी बात कोई देखने वाला ही नहीं मेले के अंदर, किसकी दुकान कौन घेर रहा है, किसकी दुकान क्यों लगा रहा है, कौन रसीद कटा रहा है कि नहीं कटा रहा है, मतलब अपनी मर्जी से हर आदमी अपना चोका चोका लगा रहा है, कोई सुनने वाला तो है नहीं इस टाइम यहाँ पे। अच्छा। हाँ, जब मेला चालू हो जाएगा सब आदमी आ जाएंगे लेने के लिए, पुलिस वाले भी आ जाएंगे। पुलिस भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था कोई, और ये लेटिन बाथरूम की वो तो बिल्कुल ही नहीं थे, बुरी हालत है, सबसे ज्यादा परेशानी थी लेटरिन बाथरूम में नहाने की। अच्छा अच्छा, लेटरिन बाथरूम की सबसे बड़ी समस्या में रहो, 2 साल पहले मैंने कलेक्टर साहब से खुद ऑफिस में जाके इस बात की कह के आया था, उन्होंने कहा वहाँ पे चले जाओ कंप्लेंस में, कंप्लेंस वाला मांगता है 5 रुपया। आप कब से आते हो यहाँ पे? हमें हो गए 16-17 साल हो गए, 17 साल हो गई, तब से आपको यहाँ वही चीज मिल रही है, वही चीज मिल रही है, वही वैसी लाइट, वैसी लाइट है, वही वैसे लेटरिन बाथरूम बाहर। हर साल कहता हूँ, हर साल मैंने अखबार में निकाला, उसमें निकाला, लेकिन आज तक कोई नहीं देखती है। अच्छा, अब ये घाटा आपको हो गया, आपका ये जो मेला 25 तारीख से स्टार्ट होना था, अब जो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 15 दिन लेट हो गया, तो इसके लिए गवर्नमेंट पे आपने कुछ कहा या कुछ सुनवाई है? कोई सुनने वाला हो जब तक है। अच्छा, सुनने वाला ही नहीं है, यहाँ तो कहता है क्यों आते हो यहाँ पे, भाग जाओ, ये कहते हैं 10 दिन का रहेगा, 10 दिन का मेला रहेगा, उसके बाद में लाइट वाला कहेगा डबल पैसे निकालो, 25 साल से है ना, उधर वाले से मारा हो जाए, उधर पुलिस वाले पानी की बात है, 20-25 साल है तो अभी मेला लेने का तकत नहीं। हाँ हाँ, पानी तो इस साल पड़ा है। नहीं, पानी तो इस साल पड़ा है, मगर पानी और लेटरिंग की तो सुनवाई आज तक नहीं भाई, 25 साल से 25 साल हो गई, बच्ची संज्ञा आती है, ये सुरक्षा भी नहीं है, ना कोई सुनवाई है, ना कोई सुनवाई है। चलो, अपनी मर्जी से दुकान काट रहे, पैसा उन्होंने पहले ले लिया है, ले लिया लाइट वाला भी पहले पैसे, उसके बाद में 20 तारीख के बाद में डंडा चालू हो जाएगा। अच्छा, फिर उनको खोदो, ठीक।